क्रिसमेय प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जेसु। आज के सुसमाचार में प्रभु येसु क्रिस्त कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। तो प्रभु येसु क्रिस्त अपने आप को एक चरवाहे के रूप में, एक भले चरवाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वह कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वे मेरी आवाज पहचानती हैं। तो भेड़ों और चरवाहे में एक संबंध है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। और ये चरवाहा जो भला चरवाहा है, ना सिर्फ वो हमें जानता है बल्कि वो हमें प्रेम करता है। सुसमाचार में तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि ये भला चरवाहा हमें प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए, हमारी मुक्ति और हमारे कल्याण के लिए अपने प्राण भी अर्पित कर देता है। और यह चरवाहा चाहता है कि भेड़ें एकता के सूत्र में बंधे रहें। तो शेपर्ड लव्स अस, शेपर्ड डाइज फॉर अस एंड शेपर्ड यूनाइट्स। और प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूं। तो हम देखते हैं साधारणता किस तरह भेड़े और चरवाहे व्यवहार करते हैं साधारण जीवन में। तो चरवाहा या तो पीछे से या फिर आगे से उनको लेके जाता है। और भेड़े हम देखते हैं कि ज्यादा देखती नहीं है, भेड़ ज्यादा देखती नहीं है। भेड़ों का सर साधारणतः नीचे झुका रहता है और वे एक दूसरे को छू के आगे बढ़ती जाती है। तो वे झुंड में जाती हैं और एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। तो यदि पहली भेड़, जो आगे वाली जो भेड़े हैं, एक एक करके गड्ढे में गिरने लगे तो सारी भेड़े गड्ढे में गिर जाएंगी, क्योंकि वे एक दूसरे का अनुसरण कर रही। तो भेड़ों के लिए जरूरी है कि उनके आगे या उनका एक मार्गदर्शक हो। भेड़ों के लिए जरूरी है कि उनको एक निर्देशन मिले। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द शीप टू बी गाइडेड एंड टू बी डिरेक्टेड। सो डिरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल फॉर द शीप। और ये भेड़े ये अनुसरण जब ही कर सकती हैं जब वे अपने चरवाहे के समीप हो। और हम जो प्रभु की भेड़े हैं, हम जो प्रभु को अपना चरवाहा मानते हैं, यदि हमें उनका निर्देशन स्वीकार करना है तो हमें उनकी आवाज को सुनना होगा, उनकी आवाज को सुनना होगा। और जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं तो हमको मालूम है वास्तव में हमारा चरवाहा हमारे साथ है और हमारा चरवाहा क्या चाहता है। स्रोत ग्रंथ हम सुनते हैं स्रोत 23 में, जो भले चरवाहा का बहुत ही प्रसिद्ध स्रोत है, उस स्रोत में वो कहते हैं, तेरी लाठी और तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। तो प्रभु की लाठी और डंडे से तात्पर्य है कि जब चरवाहा चलता है तो उसकी लाठी से आवाज आती है, उसके डंडे से आवाज आती है। तो भेड़ सुनती है उसकी आवाज को और उनका मालूम है कि उनका चरवाहा उनके साथ साथ, उनके आगे आगे चल रहा है। तो भेड़ों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और वो निर्देशन वे जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब वे उनकी आवाज सुने। और इस आवाज को हम जब ही सुन सकते हैं जब अपने चरवाहे के नजदीक रहें। संत लूकास के सुसमाचार में हम सुनते हैं, मार्था और मरियम के घर में प्रभु येसु क्रिस्त जाते हैं। और जब मार्था और मरियम के घर में प्रभु जाते हैं, दोनों बहनें प्रभु का स्वागत करती हैं और मार्था उनके स्वागत के लिए बहुत सारे सत्कार के कार्य में लगी रहती है, लेकिन मरियम प्रभु के पास जाके बैठ जाती है। और जब मरियम प्रभु के पास बैठी हुई है तो ये मालूम है कि वो अपनी बहन का काम में हाथ नहीं बटा सकती है। मार्था के शिकायत पर प्रभु कहते हैं कि मार्था, मरियम ने
उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे नहीं लिया जाएगा। तो देखा जाए मानवीय दृष्टि से, क्योंकि मेहमान आया है तो उसके सत्कार के कार्य करना चाहिए, लेकिन मरियम वो ना करके प्रभु के पास बैठना उसको पसंद है, प्रभु को सुनना उसको पसंद है। तो एक सुनने वाला व्यक्ति ही वास्तव में अपने मालिक की, अपने स्वामी की, अपने चरवाहे की इच्छा को जान सकता है। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो हम सो पूछ सकते हैं कि ओके, प्रभु हमारे चरवाहा हैं, मैं प्रभु क्या अनुसरण करना चाहता हूं, प्रभु के निर्देशन में चलना चाहता हूं, प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं, तो उस आवाज को मैं कैसे सुन सकता हूं, प्रभु के समीप रहना चाहता हूं कैसे सुन सकता हूं। सर्वप्रथम प्रभु की इस आवाज को हम अपने अंतकरण में सुन सकते हैं, अपने अंतरात्मा में सुन सकते हैं। हिंदी में बहुत अच्छा टर्म है एक, वो कहता है अंतरात्मा की आवाज। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अंतकरण दिया है, अंतरात्मा की आवाज दी है। और भले ही कोई हमें बोले ना बोले, भले ही कोई हमारे कार्यों को जाने ना जाने, हमारी अंतरात्मा हमें बताती है कि वास्तव में हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई मुझे घड़ी घड़ी कुछ काम के लिए मेरे पास आता है और मैं उन्हें बताया जा रहा हूं नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब ये घड़ी घड़ी उन लोग आते हैं तो हो सकता है मैं अपना आपा खो दूं और झुंझलाहट में उन पे उनको गुस्से से कुछ बोल दूं। मेरा गुस्सा लाजमी है क्योंकि मैंने जो भी उनको बोल रहा था वो सुन ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि जो चिल्ला चोट मैंने की वो सही नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि मैंने गलत किया है। माता पिता अपने बच्चों को उनकी भलाई के लिए, अनुशासन में रहने के लिए कभी कभी डांटते और मार भी देते। उनका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना था, लेकिन उनको मालूम था कि बच्चों के साथ उन्होंने जो डांट डपट की है या सजा दी है उससे उनको भी दुख हुआ और माता पिता को दुख होता है। उनकी अंतरात्मा उनको बताती है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम सुनते हैं ईश्वर आदम को पुकारता है और आदम बोलता है कि मैं नंगा हूं। तो प्रभु उससे पूछते हैं, आदम किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? Who told you that you are naked? आदम को किसी ने नहीं बोला था कि तुम नंगे हो। जब आदम ने पाप किया तो उसने पहचाना कि पाप के कारण वो नंगा है। उसकी अंतरात्मा ने उसको दोषी ठहराया और उसके अंतरात्मा ने उसे बताया कि वास्तव में आदम ने क्या किया है। तो जब कभी भी हम बुराई करते हैं, अंतरात्मा बताता है कि हमने बुराई की है। हमें अपने इस अंतरात्मा की आवाज को निरंतर सुनना चाहिए और जितनी हमारी अंतरात्मा अंतकरण साफ रहता है उतना अधिक हम प्रभु की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। और इस अंतरात्मा को स्वच्छ साफ रखने के लिए हमें निरंतर पश्चाताप की जरूरत होती है। तो जो लोग बार बार निरंतर पाप स्वीकार करते हैं वे ऐसे लोग हैं जिनका अंतरतम अधिक स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। फिर हम प्रभु को अपनी प्रार्थना में सुन सकते हैं। बाइबल में से अनेक उदाहरण है कि जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई, ईश्वर का निर्देशन प्राप्त हुआ। प्रेरित चरित में पढ़ते हैं कि अनेकों बार शिष्यों को, संत पौलुस को, संत पेत्रुस को, अन्य शिष्यों को, अन्य धार्मिक लोगों को ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई और उन्होंने एक नया मार्ग चुना। पेत्रुस प्रार्थना कर रहे हैं कि वे देखते हैं कि स्वर्ग से एक चीज उतरती है, एक शीट, एक चादर जैसी चीज, और उसमें सब तरह के जानवर हैं। और वो बोलते हैं, आवाज आती है कि इनको मारो और खाओ। और वहीं से पेत्रुस को प्रेरणा मिलती है कि वो कॉर्नेलियुस के घर जाए।
यदि प्रेतों से प्रार्थना नहीं करते होते तो उनको यह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। पौलुस भी अपने मन परिवर्तन के बाद 3 साल तक अरेबिया गए। वे संसार की आवाज नहीं सुनना चाहते थे, प्रभु की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना चाहते थे। सैमुएल वहां वो भी एक छोटा सा लड़का था, जब प्रभु की आवाज उसको आती है तो शुरुआत में पहचान नहीं पाता है, लेकिन एली की सहायता से वो प्रभु की आवाज को सुनता है और कहता है प्रभु बोल, प्रभु मैं तेरा दास सुन रहा हूं। तो प्रभु हमसे प्रार्थना भी बोलते हैं, प्रभु हमसे धर्म ग्रंथ में हमसे बात करते हैं, धर्म ग्रंथ के द्वारा हमसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। और यदि हम सचमुच प्रभु की आवाज को सुनते रहेंगे तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। संत जोसेफ एक बड़े ही अद्भुत उदाहरण है। वे प्रभु की आवाज को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सोते हुए भी सुनते हैं, वे प्रभु की आवाज को सपने में भी सुनते हैं। उन्हें सपना आता है कि जोसेफ मरियम जो गर्भ से है वो वास्तव में पवित्र आत्मा से है, और जोसेफ को बताया जाता है कि जोसेफ मरियम को तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत हिचको। जोसेफ उस वाणी को सुनता है और उसका पालन करता है। जोसेफ को दूसरा सपना आता है, जोसेफ को तीसरा सपना आता है। हो सकता है जोसेफ को अनेकों बार सपने आए हों जिसमें ईश्वर ने उनसे बात की हो, लेकिन यदि जोसेफ पहले सपने को, पहले स्वप्न में प्रभु की आवाज को नहीं सुनता या उसका पालन नहीं करता तो उसको दूसरा और तीसरा स्वप्न निश्चित ही नहीं आता, निश्चित ही नहीं आता। उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम को प्रभु की आवाज आती है, प्रभु की वाणी प्राप्त होती कि इब्राहिम अपने बेटे को लो और जाके उसका बलिदान चढ़ाओ। इब्राहिम उस बात को सुनता है और जाता है, और उसको 3 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में, और जब अपने बेटे को मारने को जाता है तो वही ईश्वर जिसने उसने कहा बेटे के बलि चढ़ाना, वो कहता है बेटे पे हाथ भी मत लगाना, बेटे पे हाथ मत डालना। तो देखिए, एक ईश्वर 3 दिन पहले कहता है ये करो, 3 दिन बाद बोलता है ऐसा मत करो। तो प्रभु की आवाज को हमको निरंतर सुनना चाहिए। जितना अधिक हम सुनते हैं, जितना कोशिश करते हैं, उतना अधिक प्रभु हमें अपने अपने आप को हम पर प्रकट करता है। और जब हम प्रभु के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, स्रोत 23 बोलता है वह मुझे हरे भरे मैदानों में ले जाता है और विश्रांत जल के पास, और शांत जल के पास मुझे विश्राम प्रदान करता है। तो जो लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, चाहे वो प्रार्थना में, धर्म ग्रंथ में, अंतरात्मा में है, विभिन्न घटनाओं के द्वारा है, जो लोग प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, वे कहां जाते हैं, हरे भरे मैदानों में, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां समृद्धि है और जहां पाप नहीं है, जहां केवल ईश्वर का राज्य है। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें।